दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलिवेटर रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन की स्पीड कैसी है और कैसे काम चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की साइड पर जहाँ पर ब्रैकेट कम्प्लीटली लगा दी गई हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ और भी जो पेंडिंग वर्क थे उनको भी कंप्लीट कर लिया गया है। और जहाँ तक बात की जाए इलेक्ट्रिफिकेशन की, ये आप चिन्नौट कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग की साइड देख रहे हैं, यहाँ से वायरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है और ये यहाँ से लेके बजरंग भवन रेलवे क्रॉसिंग तक वायरिंग का काम करा जा रहा है। यहाँ पर अभी कैटनरी वायर लगा दिया गया है, कॉन्टैक्ट वायर का काम भी आज शुरू हो चुका है जो कि जल्दी लगा दिया जाएगा। इस रेलवे ट्रैक पर टोटल 5 रेलवे क्रॉसिंग है जिनमें से ये पहली रेलवे क्रॉसिंग है जिसको कि एलिमिनेट नहीं किया जाएगा और ये यहाँ पर जारी रहेगी क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती। और साथ ही साथ इसके आगे ब्रिज पड़ता है जिसकी वजह से इसको यहाँ पर एलिवेटेड करने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से यहाँ पर एलिवेटेड नहीं किया गया। एलिवेटेड रेलवे ट्रैक की स्टार्टिंग का व्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि लूज वायरिंग करी जा रही है अभी, साथ के साथ वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे थे इस टाइम पे। यहाँ पर सिर्फ कैटनरी वायर लगाने का काम हुआ है, उसके बाद उसके साथ साथ आज यहाँ पर कॉन्टैक्ट वायर लगाने का ही काम चल रहा है। फिर उसके बाद इस वायरिंग को अलाइन करके यहाँ पर कैंटीलीवर लगा के प्रॉपरली फिक्स करेंगे और जो कि उम्मीद है काम की स्पीड के हिसाब से 31 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैं चारों रेलवे क्रॉसिंग का व्यू दूंगा साथ के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बजरंग भवन रेलवे क्रॉसिंग है और यहाँ तक, यहाँ से लेके चिन्नौट कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग तक वायरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ से लेके बजरंग भवन रेलवे क्रॉसिंग से बस स्टैंड रेलवे क्रॉसिंग तक पिलर्स कंप्लीट लगा लिए गए हैं पर उन पर ब्रैकेट अभी फिक्स नहीं किया गया है। ब्रैकेट फिक्स होने के बाद ही यहाँ पर वायरिंग का काम स्टार्ट हो पाएगा इस पोर्शन पर। यहाँ पर पड़ने वाली सेकेंड रेलवे क्रॉसिंग जिसके ऊपर से ट्रैक को एलिवेट किया गया है, ये है सोनीपत रोड साइड की रेलवे क्रॉसिंग। हम बस स्टैंड रोड रेलवे क्रॉसिंग का, यहाँ पर अभी रोड क्लोज किया गया है क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के आगे 4 लेन ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाई टेंशन वायर को शिफ्ट करने का काम भी स्पीड में चल रहा है। एक साइड पर टावर खड़ा कर लिया गया है और दूसरी साइड पर उसके लिए फाउंडेशन बना लिए गए हैं और उसको टावर को कंस्ट्रक्ट करने का काम भी जल्दी हो जाएगा, जिसके बाद हाई टेंशन वायर को शिफ्ट कर दिया जाएगा और जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम थी हाई टेंशन वायर की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगी जल्दी ही। ये सेक्टर 5 रेलवे क्रॉसिंग के पास का भी हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड्स ट्रेन गुजर रही है, कंटेनर्स जिस पर लोडेड हैं और इसके साथ WDG-4 लोकोमोटिव अटैच किया गया है। बस कुछ ही टाइम बचा है एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को स्टार्ट होने में, तो ये उससे पहले का भी हुआ कि जब ट्रेन नीचे से गुजरा करती थी। बात की जाए इस साइड की वायरिंग की तो मकरौली रेलवे स्टेशन के पास जो SSP बनाया गया है वहाँ तक तो वायरिंग पहले ही कम्प्लीट हो चुकी थी, जिसका कि CRS मार्च 2019 में ही कम्प्लीट हो गया था। जो ये पोर्शन है 6 किलोमीटर का, ये इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि यहाँ पर एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट किया जाना था और उस SSP से लेके Sector 5 रेलवे क्रॉसिंग के काफ़ी आगे तक वायरिंग इस साइड कर दी गई है और बीच का जो पोर्शन मैंने आपको बताया था बचा हुआ है।
जो कि बस स्टैंड रेलवे क्रॉसिंग से जो कि बस स्टैंड की रेलवे क्रॉसिंग से बजरंगबाड़ी रेलवे क्रॉसिंग तक अभी ब्रैकेट लगाने का काम बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर वायरिंग का काम इस सेक्शन में स्टार्ट हो पाएगा। अभी आप एक पोल देख रहे होंगे जो साइड में स्टैंड बनाए गए थे, वो पोल्स लगाने के बाद लगाने दिए जाने चाहिए थे इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले, पर वो कई जगह पर वो अभी लगाए नहीं गए हैं, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा रेलवे के लिए। ये इस साइड का लास्ट पोल है जहाँ तक वायरिंग करी गई है, और ये आगे आप व्यू देख सकते हैं एंड साइड का, जहाँ पर पीछे से वायरिंग चलती आ रही है। ये यहाँ पर भी वायरिंग कंप्लीट कर ली गई है, बाकी अभी इसको फाइनल नहीं किया गया क्योंकि अभी यहाँ पर कैंटिलीवर लगाना बाकी है, और फिर उसके बाद ड्रॉपर लगा के वायर को प्रॉपर अलाइन करना ही का काम भी बचा हुआ है। और ये आगे चल के आप वीडियो में देखेंगे, मैंने कम्प्लीटली दिखाया कि कहाँ से कहाँ तक वायरिंग की गई है। अभी ट्रैक को मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया है, जो कि एक बार ट्रायल होने से पहले सीआरएस ट्रायल की जब डेट आ जाएगी इलेक्ट्रिफिकेशन फाइनल होने के बाद, दोनों ही साइड से मेन लाइन से कनेक्ट कर लिया जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि 31 जनवरी के बाद कभी भी इस पर सीआरएस ट्रायल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन के काम की स्पीड को देखते हुए लगता है कि इसको 31 जनवरी तक कम्प्लीट कर लिया जाएगा। ये सेक्टर 5 साइड की रैंप व्यू है जहाँ से इसको एलिवेशन दिया गया है, जिसके आगे जाके पिलर स्टार्ट हो जाते हैं। फोक के कारण यहाँ वीडियो क्लैरिटी में नहीं बन पाई है। इस वीडियो में मैंने आपको एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का पूरा कंप्लीट व्यू दे दिया है, और साथ में जो रेलवे क्रॉसिंग है उनकी भी वीडियो दिखाई है कि किस तरह से यहाँ पर पहले रेलवे क्रॉसिंग थी जो कि प्रेजेंट में अभी है, जो कि एलिवेटेड रेलवे ट्रैक बनने के बाद ख़त्म कर दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।